Hey everyone, welcome to News Beat. Let's talk about how Bhavya and Ritya exposed Rahana Sharma. तो ये तीनों ना स्प्लिट्सविला 12 के कंटेस्टेंट थे एंड आफ्टर स्प्लिट्सविला रिद्या नहाना काफी क्लोज फ्रेंड्स थे. कई साल तक इनकी दोस्ती चली एंड एक दूसरे के घर पे ना इनका आना जाना रहता था. आहना शर्मा जो है ना वो मुंबई में रहती है एंड एक बार रिद्या का कोई तो इवेंट था मुंबई में तो वो मुंबई आ गई थी एंड आहना शर्मा के साथ रह रही थी उसके घर में. ड्यूरिंग दैट स्टे रिद्या नहाना ना एक दिन कोई तो पार्टी में गए थे एंड वो पार्टी से आहना शर्मा जो है ना वो जल्दी वापस घर आ गई. बट रिद्या जो है वो लेट वापस आई क्योंकि कई लोगों को उसने ये पार्टी में इनवाइट किया था और वो उससे मिलने आए थे. बट पार्टी खत्म होने के बाद जब रिद्या वापस से आना के घर में आई ना तब एक केओटिक सिनेरियो उसने देखा. रिद्या का जो सूटकेस था ना वो बाहर फेंका हुआ था एंड जब उसने डोर पे नॉक किया बेल बजाया आहना शर्मा ने ना डोर ओपन नहीं किया. इन अ वे उसको बिना कुछ बताए बाहर निकाल दिया गया था. ऊपर से सूटकेस में जो सामान था ना वो डिस्ट्रॉय भी किया गया था. कुछ चीजें जलाई गई थी. जो रिद्या के पैसे थे सूटकेस में वो भी गायब हो गए थे एंड पार्टी में रहने की वजह से रिद्या का ना फोन बैटरी भी खत्म हो चुका था एंड मुंबई शहर में वो किसी और को जानती नहीं थी तो वो किसको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी एंड उसके पास पैसे भी नहीं थे जिस वजह से वो रोड साइड पर बैठ के ना रो रही थी. रास्ते पे रैंडम लोग उसकी मदद के लिए आ रहे थे एंड बहुत मुश्किल से ना रिद्या ये सिचुएशन से बाहर निकली. अभी रिद्या ने ये पूरा इंसिडेंट ना भव्या के इंटरव्यू के दौरान रिवील कर दिया. ऑफकोर्स ये सुन के ना भव्या काफी अपसेट हुई एंड शी इन अ वे सेड फ्यू थिंग्स अगेंस्ट आहना शर्मा बिकॉज ये जो बिहेवियर था वो एक्सेप्टेबल नहीं है. या तो आप अपनी फ्रेंड को इनवाइट मत करो घर पे, अगर इनवाइट कर रहे हो तो सडनली उसका सूटकेस वगैरह बाहर फेंक के उसका पैसा लेके उसे इतने वल्नरेबल सिचुएशन में मत डालो. एंड भव्या एंड रिद्या का जो ये इंटरव्यू था ना वो देखने के बाद आहना शर्मा की तरफ से भी एक स्टोरी देखने मिला और ये स्टोरी ना काफी वियर्ड था. उस स्टोरी में आहना किसको तो ना मोलेस्टर होने का अक्यूज करी थी. शी वॉज इन अ वे ट्राइंग टू से कि उसके पास कई प्रूफ है जिसको अगर उसने रिवील कर दिया तो ये लोग जेल में होंगे. बट वो काफी ज्यादा ग्रेसफुल है तो वो ऐसे कुछ नहीं करेगी. एक्चुअली उसने ऐसे लाइन्स लिखे थे. अब इट इज नॉट वेरी क्लियर वॉट वॉज आहना ट्राइंग टू से हियर. बट कुछ वक्त पहले जब रिद्या एंड आहना दोस्त थे ना तब रिद्या के कुछ फोटोज आहना के छोटे भाई के साथ देखने मिले थे. अभी आहना का जो छोटा भाई है ना उसका एज क्लियर नहीं है पर वो काफी यंग दिखता है एंड इंस्टाग्राम पे आहना का जो भाई है ना उसने रिद्या के साथ फोटोज डाले थे एंड वो ऐसे फोटोज थे एज इफ वो काफी क्लोज है. एंड जब ये फोटोज डाले जा रहे थे उस वक्त पे खुद आहना शर्मा भी उसे लाइक कर रही थी, उसके नीचे कॉमेंट कर रही थी, रिद्या को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी, उसके भाई को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी. तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टोरी ना कुछ उसके भाई एंड रिद्या के फ्रेंडशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है. बट अगेन आहना ने कुछ भी क्लियरली नहीं बोला है तो ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो काफी सीरियस है. बट कोई कंक्लूजन यहाँ पे बनाए नहीं जा सकते. बट क्लियरली ये दो इवेंट्स रिलेटेड है. भव्या का इंटरव्यू बाहर आया एंड उसके बाद आहना ने ये स्टोरी डाला एंड क्लियरली उस स्टोरी में ना वो टॉन्ट मार रही थी भव्या एंड रिद्या को कि टॉक शो पे जाके मेरा नाम ले रहे हैं, ये लोग ऑब्सेस्ड है मुझसे, 4 साल हो गए हैं फिर भी मेरा नाम टॉक शो में लिया जा रहा है. मे बी यहाँ पे आहना ने स्प्लिट्सविला की बात करी है कि 4 साल हो गए वो शो को करके एंड जो भी चीजें रिद्या ने बोली है अगर एग्जैक्टली वैसा हुआ है देन इट इज वेरी वियर्ड दैट आहना इस तरीके से रिद्या का सूटकेस ओपन करेगी एंड उससे पैसे निकालेगी. एंड स्प्लिट्सविला के बाद भी ना बीच में आहना एक्सपोज हुई थी फॉर स्टीलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम सम इंस्टाग्राम पेज. लाइक शी प्रॉमिस देम कि वो उनका जो प्रोडक्ट है ना वो प्रमोट करेगी, स्टोरी वगैरह डालेगी. बट एक बार उसको प्रोडक्ट मिल गया ना उसके बाद वो झूठ बोलने लगी, रिप्लाई देना उसने बंद कर दिया. शी स्टार्टेड इग्नोरिंग देम एंड इवेंचुअली वो पेज ने ना सारे स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करके आहना को एक्सपोज कर दिया. एंड ये सिर्फ ना एक पर्सन के साथ नहीं हुआ था, कई सारे लोगों को यह कहना था कि आहना ने उनके साथ भी ऐसा स्कैम किया है. प्लस जो सामान भेजा गया था वो चीप नहीं था, इट वॉज एक्सपेंसिव, पर आहना फ्री में वो प्रोडक्ट्स ले लेती. दो वो प्रॉमिस करती कि वो प्रमोशन करेगी बट वो कोई प्रमोशन नहीं करती उस पेजेस का. वो भी इंसिडेंट्स के बारे में ना पास्ट में वी हैव डिस्कस्ड. अगर आपको उस केस के बारे में नहीं पता है कि क्या क्या हुआ था तो आगे उसके बारे में आप सुन सकते हो. लेजिट देयर आर सो मेनी स्क्रीनशॉट्स जहां आहना शर्मा जो छोटे छोटे इंस्टा पेजेस नहीं होते जो कपड़े वगैरह बेचते हैं उन्हें सामने से फ्री प्रोडक्ट्स के लिए डीएम्स करती है एंड शी सीज कि फ्री में प्रोडक्ट्स दे दो एंड रिटर्न में शी विल डू प्रमोशन फॉर देयर प्रोडक्ट. वो कोई प्रमोशन नहीं करती, शी जस्ट टेक्स द प्रोडक्ट एंड एक बार सामान मिल गया शी जस्ट स्टॉप्स रिप्लाइंग, नो प्रमोशन नथिंग. एंड इसके बाद व्हाट शी डिड कि अगर कोई इंस्टा पेज उसे फ्री में प्रोडक्ट देने से मना करता है तब शी सेज देम कि ओके सेंड द प्रोडक्ट, मैं सीओडी करूंगी. एंड गेस व्हाट, आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट शी स्ट्रेट अवे डिनाइज गिविंग मनी. कोई सीओडी नहीं करती, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करती. सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि आहना शर्मा रिद्या के बीच में जो भी हुआ है इस पे आपका क्या कहना है. एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.